आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे पीएम प्लान्स डिजाइन एंड नॉलेज में। मैं हूं सिविल इंजीनियर प्रीतिश। दोस्तों, एक साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था वाटर पार्क का डिज़ाइन का, मैं एक वीडियो डाला था तो बहुत लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी किया और बहुत सारे सवाल जो है जितने भी व्यूअर्स हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जितने भी सवाल पूछे दोस्तों, वो सवाल मैं आपका ऑलरेडी लिख के रखा हूँ। और अभी वाटर पार्क का काम जो मैं एक साल पहले आपको दिखाया था वो लगभग 80% काम अभी ख़त्म हो गया है और पूरा उसका वॉक थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा क्या क्या अभी बन चुका है, कितना क्या बिल्डिंग बन चुका है, सारा का सारा डिटेल में हम इसमें बात करेंगे। और आपका जितना भी सवाल है वो सारा सवाल का मैं आपको जवाब भी दोस्तों दे दूंगा इसमें। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारे चैनल से आप लोगों को घर का नक्शा, प्लान, डिज़ाइन, एलिवेशन, घर का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आगे मिलता रहेगा दोस्तों। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारा जो चैनल है वो आपका घर का, आपका कंस्ट्रक्शन, आपका घर का प्लान, डिज़ाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, इस बेसिस के ऊपर हमारा चैनल है। लेकिन वो जो वीडियो लोगों ने इतना पसंद किया और जो इतना सवाल मुझे आप लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा और एक वीडियो ज़रूर इसके लिए बनाया जाए और आपका जितना सारा डाउट है उसको क्लियर किया जाए और आपका पूरा का पूरा वो डिज़ाइन भी पूरा दिखाया जाए, वाटर पार्क का किस तरीके से सारा का सारा आपको स्पेसिफिकेशन और आपको फैसिलिटी मिलना चाहिए, आप अगर बनाना चाहते हैं किस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सीधे चलते हैं जहाँ पे वाटर पार्क बन रहा है वहाँ पे सीधे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आपका एंट्रेंस गेट रहेगा पूरा वाटर पार्क का, जहाँ से आप एंट्री करेंगे। ये जो घर आप देख रहे हैं प्लास्टर हुआ है, जितना भी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए ये घर बनाया गया है, वो वहीं पर काम करेंगे और वहीं पर ही वो रुक के काम करेंगे, क्योंकि ये जो मिस्त्री लेबर जो है वो बहुत दूर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनके रहने के लिए भी बंदोबस्त होना चाहिए। तो उसमें देखिए, जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको दोनों तरफ आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, जो कि लुक अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया लुक लगेगा। और ये पूरा जो भी आएंगे व्हीकल से, कार से आएंगे, वो पूरा ऐसे ही अंदर एंटर करेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये बनाया गया है, चारों तरफ आपका पेड़ पौधे लगाया गया है अच्छे दिखने के लिए। ये आपका पूरा एंट्रेंस रहेगा। जैसे ही दोस्तों आप यहां पे आएंगे, आप देख सकते हैं ये जो स्पेस आपको यहां पे दिख रहा है ये पूरा आपका पार्किंग का एरिया है और ये आपका काउंटर है, जो कि जो पार्किंग में रहेंगे उनके लिए जो टिकट वगैरह का इंतजाम किया जाता है उसके लिए। ये जो पूरा राइट साइड में आप देख रहे हैं ये पूरा आपका पार्किंग का एरिया है, जितना भी गाड़ी आएगा, व्हीकल आएगा, यहाँ पे ही यहीं पे ही दोस्तों ये पूरा आपका पार्क होगा। और यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों स्पेसिफिकेशन फैसिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो ऊपर देख रहे हैं ये आपका स्पा है, सैलून या स्पा आप इसको बोल सकते हैं। इसमें आपका ऑफिस का रूम है, सारा का सारा आपका रेस्टोरेंट वगैरह है, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे रखा गया है। और ये सारे अभी काम कर रहे हैं लोग, यहाँ पे 80% का काम खत्म हो गया है, 20% का काम बाकी है। जैसे ही आप फिर से आगे जाएंगे, देखिए ब्रिक में ये डिज़ाइन किया गया है, दोनों तरफ डिज़ाइन किया गया है ब्रिक में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ गार्डन आपको नज़र आएगा, ग्रास आपको घास नज़र आएगा दोस्तों। लुक काफ़ी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है, आपका फूड कोर्ट है और आपका रहने के लिए दोस्तों गेस्ट हाउस है, यहाँ पे होटल है और बहुत कुछ ऐसे आपका है जो कि एकदम, इसीलिए इसका जो कॉस्ट है दोस्तों 15 करोड़ के इसका कॉस्ट है। ये जो रास्ता दोस्तों, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये पूरा आपका गेस्ट हाउस है, उसको भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से गेस्ट हाउस है। आपको एक बेडरूम, एक टॉयलेट वहाँ पे मिल रहा है, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन आप पहले देख लीजिए जो आपका पूल रहेगा, जिसमें आपका एक आर्टिफिशियल वेव के तरह जो आएगा, ये आपका पूल रहेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पहले मैंने दोस्तों जो वीडियो बनाया था वो उसका काम उस टाइम एक साल पहले चल रहा था, मतलब
स्टील डिज़ाइन, स्टील वगैरह का बाइंडिंग का काम चल रहा था, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। टाइल वगैरह डाल के पूरा कंप्लीट ये हो चुका है। अब देख सकते हैं वहाँ से पूरा, वहाँ तक भी हम जाएंगे, वहाँ से पूरा आपका जो पानी है आर्टिफिशियल वेव है वहाँ से पूरा निकल के आएगा। यहाँ पे जो बिल्डिंग दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे बस बैठने के लिए ये बिल्डिंग, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में दोस्तों बैठने के लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और वो जो आप देख रहे हैं वो आपका पूरा एक रहेगा रेन डांस जिसको बोलते हैं, वो भी रहेगा, उसका डिज़ाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके थोड़ा आगे चलते हैं, आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कितना लंबा है। अभी काम दोस्तों इसमें ख़त्म हो गया है, अभी साफ सफाई किया जाएगा, उसके बाद उसमें पानी भरा जाएगा, जो कि अगले महीने 1 तारीख से ये शुरू होने वाला है। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बैठने के लिए ऊपर नीचे दोनों में, ऊपर भी दोस्तों रूम रखा गया है। अभी यहाँ पे दोस्तों पुट्टी और पेंट का काम अभी इसमें चल रहा है। अभी ये और जो एरिया आप देख रहे हैं वहाँ पे भी डेवलप किया जाएगा, और सारा कुछ जो डिज़ाइन वगैरह है वो भी बिल्डिंग वहाँ पे बनाया जाएगा। अभी दोस्तों हम चलते हैं चेंजिंग रूम में। ये है आपका चेंजिंग रूम, जो कि अलग अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। यहाँ पे अभी सारा का सारा जो सेटअप है वो बनाए जा रहे हैं। देखिए ये आपका चेंजिंग रूम रहेगा टॉयलेट वगैरह के साथ। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे फिर जाएंगे, ये आपका लेडीज़ के लिए चेंजिंग रूम है। अभी जेंट्स के लिए जो चेंजिंग रूम उस तरफ है वहाँ पे भी। ये दोस्तों जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये आपका फ़ोन वगैरह ये सब वगैरह रखने के लिए ये बॉक्स बनाया गया है। आप रख के ताला लगा के चाबी अपने पास रख सकते हैं या काउंटर में आप दे सकते हैं। जैसे ही दोस्तों उस तरफ था वैसे ही उस तरफ है। और इसके ऊपर जो दोस्तों है वो आपका एक मीटिंग हॉल रखा गया है, क्या मीटिंग का हॉल का अरेंजमेंट किया गया है ऊपर में। अभी दोस्तों देखिए जो रेन डांस है उसके अंदर हम जा रहे हैं, उसका डिज़ाइन आप देख लीजिए किस तरीके से एकदम आपका सर्कल में ये डिज़ाइन बनाया गया है। पूरा पेंट वगैरह पूरा अच्छे से किया गया है, और आपका म्यूजिक सिस्टम के साथ भी आप यहाँ पे मज़ा उठा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर से पानी के लिए दोस्तों पाइप वगैरह का इंतज़ाम किया गया है, इसको बोला जाता है रेन डांस। लाइट वगैरह के दोस्तों यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, ये आपका म्यूजिक सिस्टम का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये सारा आपका गेस्ट रूम है, जो कि हम जा रहे हैं अभी वहाँ पे देखने के लिए गेस्ट रूम को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे रुक भी सकते हैं 2 दिन 3 दिन, जितना चाहे आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और सब में दोस्तों यहाँ पे एसी का इंतज़ाम किया गया है, और ये जो आप पूरा देख रहे हैं वहाँ से वहाँ तक पूरा आपका गेस्ट रूम है, और सबका डिज़ाइन एक है, लेकिन हम एक ही रूम में एंटर करेंगे और देखेंगे किस तरीके से आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल रहा है। ये कुछ स्टेयर आपको मिलेंगे ऊपर जाने के लिए, और ऊपर में फॉल सीलिंग का काम किया गया है। वहाँ से आप जैसे ही अंदर जाएंगे ये आपका एक पूरा एक बेडरूम है, बड़ा सा बेडरूम आपको मिल रहा है। यहाँ पे इंटीरियर का डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे टीवी यूनिट वगैरह का डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे।
यहाँ पे कपबोर्ड का डिज़ाइन आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे एसी लगाया गया है और उसके अटैच आपको यहाँ पे अटैच लैट बाद भी दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा इस रूम से अटैच। ये बेड के लिए दोस्तों ये आपका अटैच लैट बाथ रहेगा। ऊपर में भी फॉल सीलिंग का लाइट का काम किया गया है इसमें। ये पूरा आपको बड़ा सा रूम यहाँ पे मिलेगा, आप चाहें तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। और पीछे की साइड आप अगर नज़र करेंगे पीछे भी आप लोगों को यहाँ पे जगह मिल रहा है बैठने के लिए, और बाहर का जो लुक है उसका भी फायदा उठाने के लिए पीछे भी ज़्यादा जगह रखा गया है। और ब्रिक में डिज़ाइन किया गया है, जो दीवार आप देख रहे हैं पेंट किया गया है रेड कलर में, ये ब्रिक में सारा का सारा डिज़ाइन किया गया है। जितना भी रूम यहाँ पे है सबका डिज़ाइन एक ही है, जो कि मैंने आपको दिखाया सबका डिज़ाइन एक है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो जो लुक है, आप जितना डिज़ाइन तरीके से पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही लुक बहुत ही बढ़िया लगेगा, और जो टूरिस्ट आएंगे उनको भी काफ़ी बेहतरीन लगेगा। ये जो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो पहाड़ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक सुविधा ऐसे किया जाएगा जो कि यहाँ से एक रास्ता किया जाएगा उस पहाड़ के तरफ किया जाएगा, जो कि जो भी चाहे वहाँ पे भी घूम के आ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलेगा, जब चालू होगा उसके बाद उसको भी उसका भी फैसिलिटी रहेगा, आप वहाँ तक घूम के आ सकते हैं। वहाँ पर जंगल वगैरह है, वहाँ पर भी आप घूम के आ सकते हैं। अभी दोस्तों हम चलेंगे, मैं आपको लेके जा रहा हूँ फूड कोर्ट में, जहाँ पे आप बैठ के लंच हो चाहे डिनर हो चाहे ब्रेकफास्ट हो कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह भी रखा गया है, उसका भी फैसिलिटी है यहाँ पे। ये अभी फ़िलहाल ये सब काम चल रहा है, अभी कपबोर्ड वगैरह का काम चल रहा है। ये आपका पूरा फूड कोर्ट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे बैठ के आप खाना वगैरह दोस्तों खा सकते हैं। ऊपर में फैन का भी इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे। ये दोस्तों देखिए ये आपका रेस्टोरेंट है पूरा, यहाँ पे भी बैठ के आप खाना खा सकते हैं। ये दोस्तों सामने जो देख रहे हैं, जो आपको यहाँ पे पूल मिलेगा यहाँ पे, यहाँ आप अगर चाहें यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी इसमें कर सकते हैं, उसका भी फैसिलिटी यहाँ पर किया जाएगा। और दोस्तों इसमें स्लाइडिंग का अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, लेकिन स्लाइडिंग का काम भी इसमें होगा, क्योंकि पूल के आसपास स्लाइडिंग भी लगाया जाएगा। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा आपका गार्डन है, आप चाहें तो यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पूरा यहाँ पे घास दोस्तों यहाँ पे लगाया गया है अच्छे तरीके से। ये जो येल्लो कलर बिल्डिंग देख रहे हैं, ये रेस्टोरेंट है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये स्पा है आपका, स्पा या बोल सकते हैं मसाज वगैरह के लिए यहाँ पे भी इंतज़ाम किया गया है। ये आपका पूरा पार्किंग का एरिया है, जितना भी गाड़ी आएगा यहाँ पे सब पार्क होगा। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका पूरा एक ऑफिस है, जो कि ओनर है वो जो रहेंगे इनका ये ऑफिस है, उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों ये था पूरा आपका एक पूरा वाटर पार्क का वॉक थ्रू मैंने आपको दिखाई, पूरा एक वाटर पार्क का आपका डिज़ाइन है, आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन और फैसिलिटी वगैरह रखा गया है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने वहाँ पे पूरा डिज़ाइन देख लिया ऑलरेडी, और अभी हम बात करते हैं जो सारा आपका डाउट है वो उसके ऊपर में हम अभी बात करते हैं। दोस्तों देखिए पहले जो सवाल है पूछा गया है कि एक एकड़ लैंड में वाटर पार्क बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। दोस्तों देखिए मैंने
आपको ऑलरेडी कमेंट में ये आंसर भी मैंने आपको दिया कि ये आपका डिपेंड करेगा टोटली आपका डिज़ाइन के ऊपर, ये आपका डिपेंड करेगा अब किस प्रकार का आप स्पेसिफिकेशन फैसिलिटी किस प्रकार का आप रख रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका कितना कॉस्ट आएगा। लेकिन आप अगर एक एकड़ में अगर नॉर्मल तरीके से ऐसे ही बनाना चाह रहे हैं तो लगभग तो आप 1 करोड़ मान के चलिए 1 करोड़ में आपका खर्चा हो जाएगा। आप अगर नॉर्मल तरीके से आप अगर बना रहे हैं इतना सारा जहाँ पे अभी आपने जो देखा जो बन रहा है वो सारा का सारा आपका रेस्टोरेंट वगैरह है, वहाँ पे गेस्ट हाउस है, वहाँ पे आपका फूड कोर्ट है, वहाँ पे आपका गार्डन है, पूल है, ये सब ना रख के आप अगर कुछ छोटा सा बनाना चाह रहे हैं तो लगभग आप 1 करोड़ मान के चलिए। ठीक है, अभी दोस्तों दूसरे पे आते हैं, लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा के कटक जिला में है, कटक से कटक टाउन से आपका ये अगर देखा जाए तो लगभग आपका 25 किलोमीटर कटक से दूरी में है। जिस गांव में है वो आपका गांव का नाम है टांगी। ठीक है दोस्तों, ये पूरा आपका एड्रेस रहेगा, अगर आप आ रहे हैं तो ज़रूर आके आप मज़ा उठा सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से शुरू होने वाला है, ओपनिंग होने वाला है। तीसरे पे आते हैं दोस्तों, हाउ मच लैंड इज यूज्ड फॉर दिस वाटर पार्क, कितना एरिया ये वाटर पार्क के लिए लगा है। ये जो लगा है दोस्तों लैंड 15 एकड़ की एरिया में ये वाटर पार्क बनाया गया है। अब 4 नंबर पे आते हैं, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ दिस वाटर पार्क। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर हम देखें तो अभी भी काम चल रहा है, 20% का काम अभी बाकी है, वो अगर ख़त्म हो जाएगा पूरा जब खत्म हो जाएगा दोस्तों तो 15 करोड़ रुपया पूरा इसमें आपका खर्चा रहेगा, पूरा 15 करोड़ जो कि कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट रहेगा। अभी बात करते हैं वाटर पार्क के लिए किसी भी मालिक से मिलके बातचीत करके बताओ प्लीज़। दोस्तों देखिए, वाटर पार्क का जो मालिक है वो बहुत बड़े आदमी है तो उनके साथ तो डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते। आपका अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में फिर से पूछ लीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी है सर लैंड 2 एकड़ है, इसके अलावा कितना कॉस्ट आएगा? अगर आपके पास लैंड 2 एकड़ है तो आप 2-3 करोड़, तो 3 करोड़ आप पकड़ के चलिए, क्योंकि वाटर पार्क बनाने के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका पूल रहेगा, आपका स्लाइडिंग वगैरह रहेगा और जो छोटा मोटा आपका कुछ खाने के लिए रहने के लिए आपका सारा सारा चेंजिंग रूम वगैरह ये सब रहेगा। तो आप पूरे 2 करोड़ में आप अगर सॉरी 2 एकड़ में आप अगर बना रहे हैं तो 2 करोड़ तो लगभग खर्चा हो जाएगा, 2-3 करोड़ खर्चा हो जाएगा दोस्तों। और एक सवाल यहाँ पे है, प्लीज़ रिप्लाई मी इफ़ यू वांट टू डेवलप वाटर पार्क, आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ वाटर स्लाइड्स। ये हमारे एक दोस्त हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि वो जो स्लाइड होता है वो उसका मैन्युफैक्चरर है और वो लगाते भी हैं, तो मैंने उनको बोला कि अगर आप लगाते हैं तो आप नंबर दे दीजिए कमेंट में, मैं वो नंबर वीडियो में मेंशन कर दूंगा। लेकिन वो नंबर नहीं दें, बस उनका जो कंपनी है जो कंपनी लगा रहा है मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका वो कंपनी का नाम मेंशन किए जो कि है ट्रेंड वाटर राइट्स प्राइवेट लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र। आप अगर चाहें तो गूगल में सर्च करके उनका नंबर आप ले सकते हैं। अभी लास्ट में है, व्हाट आर द परमिशन एंड लीगल पेपर्स आर रिक्वायर्ड। परमिशन दोस्तों देखिए, अगर आप वाटर पार्क बनाना चाह रहे हैं तो आपको जो परमिशन चाहिए वो आपको चाहिए टूरिज्म से। ठीक है दोस्तों, हमारे जो गवर्नमेंट है उनसे उनका जो टूरिज्म का एक सेक्टर है दोस्तों वहाँ से आपको परमिशन चाहिए। वो आपको बताएंगे कि कितने एरिया में आप उसको बना सकते हैं, बिल्डिंग कितना एरिया में बना सकते हैं, आपका पूल वगैरह वो कितना क्या एरिया में बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एरिया में बना रहे हैं तो आपको कितना उसका टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स वगैरह सब तो रहेगा ही रहेगा, वो सब दोस्तों आपका परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाके चालू कर सकते हैं। और जो पेपर वगैरह है वो तो बहुत सारे पेपर वगैरह दोस्तों लगेगा, आपका इनकम से लेके बहुत कुछ दोस्तों है, उसको आपका पूरा पूरा परमिशन के साथ उसको करना पड़ेगा, बिना परमिशन तो आप नहीं कर सकते। जो परमिशन चाहिए वो टूरिज्म से आपका परमिशन चाहिए।
दोस्तों ये था कुछ सवाल जो कि आप लोगों ने पूछा था, मैंने क्लियर किया आप लोगों को। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं उसको भी आपको डाउट क्लियर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और जो जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल पर आप अगर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो चैनल है आपका घर का नक्शा प्लान डिज़ाइन एलिवेशन घर का कंस्ट्रक्शन इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर चैनल है। तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।